इनके चेहरे पर बिखरी यह खुशी, आत्मविश्वास और इनकी उमंगें एक सफलता की कहानी कह रही हैं। अमरगढ़ के इन लोगों ने एक साधारण पर बहुत ही अहम कामयाबी हासिल की है। इन लोगों ने जलधारा को अपनी जीवन धारा से जोड़ लिया है, कुछ इस तरह कि भयानक अकाल भी इनकी फसलों को न छू सके। सिर्फ 2 साल पहले तक हालात ऐसे न थे। अमरगढ़, जो मध्य प्रदेश के जिला रतलाम का एक छोटा सा गांव है, राजस्थान की सीमा से लगता है। यहाँ की पहाड़ी जमीन पर बारिश का पानी थमता नहीं और ना ही काली चिकनी मिट्टी पानी को जमा कर पाती है। इतना ही नहीं, लोगों द्वारा लापरवाही से पानी का खर्च किया जाना जल स्रोत पर करारी चोट थी। नतीजा, तेजी से पानी का सिकुड़ता दामन, अकाल की स्थिति। यहाँ से सब लोग तमाम निकल जाते थे बाहर देशों काम करने के लिए, ताकि इनमें इतनी तकलीफ आती थी। बच्चे इनके छोड़ना पड़ते हैं और ढंडा केड़े छोड़ना पड़ते हैं, इनके हर बात घर बेरान हो जाता आते इतने में। कोई बड़ा कदम उठाया जाना जरूरी था, क्योंकि समस्याएं लोगों की थी, इसलिए जरूरत थी एक ऐसे कार्यक्रम की जिसमें गांव वालों की सहभागिता हो। कोशिशें हुई तो मध्य प्रदेश वाटरशेड परियोजना सामने आई। वाटरशेड प्रोग्राम बेसिकली सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत हम लोकल संसाधन का उपयोग करते हुए गांव का पूर्ण और स्थायी विकास कर सकें, ऐसी इसकी बेसिक अवधारणा है। वाटरशेड परियोजना का उद्देश्य था सामाजिक विकास, आर्थिक उन्नति और पर्यावरण में सुधार। लोगों की भागीदारी जरूरी थी, इसलिए उन्हें प्रेरित किया गया कि वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वाटरशेड योजना सरकार की ही एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें लोगों का विकास लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही किया जाता है। जैसे दिल से हमने सोचा कि जैसे इस तरीके से काम करेंगे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, और हम पहले मुसीबत में थे, इस तरीके से काम यहाँ आया नहीं था पहले, और बताया गया तो हमने जैसे चालू किया। चालू करने के बाद में हमको समझ में आ गया, ये काम समझ में आया तो हम आगे बढ़ते गए। कहते हैं सफलता पाने के लिए सपनों का होना आवश्यक है। अमरगढ़ के वासियों में साहस था एक सपना देखने का। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरत थी राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रेरणा, तकनीकी सहायता की और सबसे अहम गांव वासियों की सहायता की, जो इस अभियान को आगे बढ़ा सके। गांव वासियों ने अपनी समस्याओं को पहचाना और सबने मिलकर सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं और सहायता का पूरा इस्तेमाल किया। जो नतीजा सामने आया वो दूसरे गाँव वालों के लिए मिसाल है। अमरगढ़ वाटरशेड कार्यक्रम ने अपने दोनों लक्ष्य पूरे किए, भूमि और जल संरक्षण का काम भी पूरा हुआ और लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। पर सवाल पैदा होता है कि क्या यहाँ के लोगों के सहयोग के बिना ये सब कुछ संभव था? शायद नहीं। जनभागीदारी, जन सहभागिता इसलिए इस कार्यक्रम में अत्यंत आवश्यक है कि यह एक तरह से जलग्रहण मिशन की आत्मा है। यदि जनसहभागिता नहीं होगी तो आत्मा इस मिशन में नहीं आ पाएगी और जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाएगा। इस कार्यक्रम ने एक ताना बाना बुना है जिससे सभी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। सरकार तकनीकी और आर्थिक सहायता देती है और लोगों द्वारा चुनी गई कमेटी गांव की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाती है, और जब सब साथ मिलकर काम करते हैं तो योजनाओं की सफलताएं निश्चित हो जाती हैं। अमरगढ़ की सफलता ने लोगों के अंदर समूह में मिलकर काम करने की प्रवृत्ति जगाई है। इससे लोग विकास कार्यों को अपना ही काम समझने लगे हैं। पहले लोगों का सरकारी योजनाओं में विश्वास नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों को खुद अपने फैसले करने का हक मिला है। लोगों में अलग ही उत्साह पैदा हुआ है। अक्सर अकाल जैसी स्थिति से जूझते इस गाँव के लिए सबसे पहले जरूरी था जल स्तर को ऊपर उठाना। इसके लिए कई तकनीकें इस्तेमाल की गईं। तालाब खुदवाए गए, बांध बंधे
पत्थरों से बांधों को बांधा गया ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। गांव वालों की मेहनत रंग लाई, जल स्तर ऊपर उठा, बंजर जमीनों पर फसलें लहलहाने लगी, जमीनों की उपजाऊ शक्ति बढ़ी तो किसान खरीफ और रबी दोनों फसलें उगाने लगे। इस सफल कार्यक्रम ने कई और सफलताओं के रास्ते खोले। पहले से अधिक जागरूक इन लोगों ने श्रमदान की मुहिम चलाई। निर्णय लिया गया कि जल गृह बनाए जाएंगे और लोग अपनी सेवाएं मुफ्त देंगे। देखते ही देखते कम खर्च में कई जल स्रोत तैयार हो गए। अब ये लोग जब चाहे पानी उत्पाद कर सकते हैं। ये सफलताएं गांव वालों की अपनी ही सफलताएं थीं। इन सफलताओं ने न केवल इनके मनोबल को ऊंचा किया बल्कि सरकारी कार्यक्रमों में इनके विश्वास को और ज्यादा मजबूत किया। इस परियोजना की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पैसा सीधा जनता के हाथों में जाता है, उन्हें अधिकार है गांव की जरूरत के हिसाब से खर्च करने का। जाहिर है इससे होने वाला लाभ भी सीधा उन तक पहुंचता है। फायदा अपनों को ही है, भाई सरकार को कुछ नहीं करना है। जैसे जंगल का अपन घास भी बोएंगे तो अपने ही जानवर खाएगा और कुछ दूसरे भी फसल बोएंगे तो अपनों को भी चाहिए। सरकार तो नहीं ले जा ले नहीं जा रहा, वो तो बिल्कुल आपकी मीटिंग लो और आप ही फायदा लो इससे। गांव के एक साधारण से आदमी को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर बदरुन्निसा एक आम और साधारण सी महिला है, लेकिन जब उन्होंने इस परियोजना के फायदे जाने और इससे जुड़ी तो इतना प्रभावित हुई कि खुद इन्होंने लोगों को इस काम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। गांव वालों के सामने एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य तक पहुंचने की भावना ने आपसी तारतम्य को बढ़ावा दिया। तकनीकी हो या सामाजिक, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। लोग जब इकट्ठा हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि साथ चलना वक्त की जरूरत है। लोगों के विचार और उनकी भावनाओं के मिलन से एक नई सामाजिक जिज्ञासा ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा कुल्हाड़बंदी, यानी पेड़ों को काटने पर पूरी तरह रोक। कुल्हाड़बंदी ने कटती हुई मिट्टी के साथ साथ लोगों को भी बांधा। दोस्त मोहम्मद वाटरशेड कमेटी के सचिव, पूरी तरह अपने मकसद के लिए समर्पित। दोस्त मोहम्मद अमरगढ़ वासियों के लिए हमेशा से ही प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इनका ज्यादा समय वाटरशेड परियोजना के लिए ही गुजरता है। जाहिर है भागदौड़ लगी रहती थी और इस भागदौड़ में पैसे भी खर्च होते थे। इसका एहसास गांव वालों को था। उन्होंने एक फैसला किया, जो नतीजा सामने आया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो सबने मिलकर ये विचार किया कि मतलब कि अपने क्यों नहीं करें कि एक रोज की मजदूरी मतलब इन सचिव को दे दें ताकि ये मतलब कुछ इसके घर से और कुछ अपना मिलाकर मतलब मोटरसाइकिल खरीदे। इसके बारे में सारे मतलब मजदूरों ने एक रोज की मेरे को मजदूरी दी तो करीब मतलब 5-7-8 हज़ार रुपया करीब उन्होंने जोड़ा। कुछ 5-7 हज़ार रुपया मैंने करा, 15-17 हज़ार रुपया मैंने मोटरसाइकिल खरीदी। अमरगढ़ के ये पहाड़ी इलाके पशुओं की चराई से बुरी तरह प्रभावित थे। गांव वालों ने मौके की नजाकत को भांपा, उन्हें चाराबंदी का ख्याल आया तो उन्होंने बाहर से आकर चरने वाले पशुओं की रोकथाम शुरू कर दी। हर रोज बारी बारी पहरेदारी शुरू हुई, अच्छे नतीजे सामने आए। साथ ही ये सच्चाई भी कि अमरगढ़ के वासियों ने खुद अगर कदम आगे बढ़ाया न होता तो समस्याएं गंभीर हो सकती थीं। चाराबंदी से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ी, अब जानवरों के लिए चारे की कोई कमी नहीं है। चारा सबको मिले इसके लिए हर परिवार से दो लोगों को चारा काटने की इजाजत है। ऐसी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि जिससे हर परिवार को चारा उपलब्ध हो सके। वाटरशेड मिशन का लक्ष्य लोगों का सर्वांगीण विकास है, इसलिए महिलाओं को विकास के काम में सबसे आगे रखा गया। 10-10 महिलाओं का एक समूह बनाया गया, उन्हें 25,000 रुपए की राशि दी गई। ये तो बस एक शुरुआत थी।
जो उड़ान एक भीगे हुए पंख से हुई थी, आज आसमान चूम रही है। इन महिलाओं ने खुद ही एक एक रुपया प्रतिदिन की बचत शुरू की। ये एक एक रुपए आज 2 लाख की राशि बन गए हैं, जिनसे वे आपस में कर्ज ले सकती हैं, अपना काम चला सकती हैं। जमा की गई ये राशि एक बड़ी शक्ति है। इनमें एक प्रकार का आत्मविश्वास है, मनोबल ऊंचा है। ये जब चाहे कर्ज की जंजीर से खुद को आजाद कर सकती हैं, कोई नया काम शुरू कर सकती हैं। आज से पहले अंबाबाई ने जिसकी कल्पना भी न की थी, वो सच सामने आया है। बचत समूह की मदद से ही आज वो खुद अपनी खेती कर रही हैं। महिलाओं के इस समूह ने सिंचाई के लिए एक पंप और जनरेटर सेट भी खरीद लिया है। पहले तो गेहूं नहीं पकता था, सब्जी नहीं थी, अब तो सब्जी भी पाके, गेहूं भी पाके, सब पाके। कहते हैं जब आत्मनिर्भरता आ जाए या जब हम आत्मनिर्भर हो जाएं, तो चीजें बदलने लगती हैं। आज महिलाएं न सिर्फ अपनी जरूरतों को पहचान सकती हैं, बल्कि घरेलू मामले में अपनी बात मनवा भी सकती हैं। उन्हें परिवार नियोजन के फायदे के बारे में भी ज्ञान मिला है। अब उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि बच्चे सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होते। छोटा परिवार सुखी परिवार है। सीताबाई, सपाट चेहरा, सूनी आंखें और कोशिश इन पर पर्दा डालने की, ये कहानी कल की थी। आज की सीताबाई एकदम बदल चुकी हैं। सूनेपन और मायूसी की जगह जिंदगी की चमक है, सफलता की खुशी है। सीताबाई अब एक साइकिल की दुकान चलाती हैं, पर कैसे? बचत समूह ने कुछ पैसे कर्ज दिए और डूबते को सहारा मिल गया। वाटरशेड कार्यक्रम ऐसे सभी लोगों के लिए हर कदम साथ है। एक अरसे तक अमरगढ़ के किसान साहूकारों के बोझ तले दबे रहे। मजबूरी वश उन्हें महंगे और निम्न स्तर बीज इस्तेमाल करने पड़ते थे, लेकिन एक नया सवेरा आया। इसका श्रेय सबसे ज्यादा जाता है ब्रिजवारा कमेटी को, जिसने किसानों को आसान कर्जों पर अच्छे बीज उपलब्ध कराए। आज इन किसानों की फसल दोगुनी हो गई है। हर बार एक नया लक्ष्य, हर बार एक नई सफलता। पानी और व्यवसाय के बाद एक बड़ी समस्या यहाँ नशाखोरी की थी, जिसके साथ ही पलती थी पारिवारिक कलह, जुए की लत और कई किस्म के जुर्म। अब अगला कदम था इस समस्या के साथ लड़ने का। वाटरशेड मिशन ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वो नशाबंदी जैसी मुहिम चलाएं। वो महिलाएं जो कभी नशे की हालत में अपने परिवार वालों के जुल्म का शिकार होती थी, आज आवाज उठाने लगी और फिर जीवन ने एक नई करवट ली। नशा बंद करा तो घर में पैसों टिंगो आवे तो घर में रहेगा, पैसों लावे कमाई ने मजूरी करेगा तो पैसों लावी नमार आदमी देगा, सब करेगा। जागरूकता अपने पर फैलाती रही। गांव वालों ने अपने रहन सहन को और संवारा। अब यही गांव बायोगैस का इस्तेमाल करने लगा। गांव वालों को किचन गार्डन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके लिए उन्हें मुफ्त बीज भी मुहैया कराई गई। अमरगढ़ के वासी अब किसी दूसरे पर आश्रित नहीं, अगर जरूरत सामने है तो वो उसका हल ढूंढ निकालना चाहते हैं और उनकी कोशिशें उन्हें सफलता तक ले जाती हैं। अभी हाल ही में एक मंदिर का निर्माण कुछ इसी तरह हुआ। योजना बनी, श्रमदान किया गया, खर्च आपस में बांटा गया और फिर नतीजा सामने था। ये मीटिंग करना पहले नहीं जानते थे, इकट्ठे नहीं होते थे। अब ये वाटरशेड से हम इकट्ठे होकर के हम सरसा भी करते, एक दूसरा से हमको ज्ञान मिलता है। कोई बुरा काम करता है तो कोई दूसरा आदमी उसको रोक देता है कि भाई ऐसा नहीं करना, क्यों ऐसे करने से हम अपना नुकसान है, तो और दूसरों को हमको ज्ञान मिलता है। एक दूसरे से बोले तभी एकता जुड़ी। हम सब एक दूसरे से बोले, मैं उससे बोला, वो उससे बोला, वो तीसरे से बोला, ऐसे मतलब बोलते गए। अमरगढ़ में वाटरशेड मिशन की सफलता एक मिसाल बन चुकी है। लोगों ने देखा है कि किस तरह अमरगढ़ के लोगों ने अपनी समस्याओं को चुनौती माना, खुद सामने आए, उनका समाधान ढूंढा
और अपने जीवन को हर कदम के साथ एक बेहतर आयाम दिया। इनकी सफलता से आसपास के गांव वाले वाटरशेड की मांग कर रहे हैं, परंतु सच्चाई अपनी जगह है कि सरकारी योजनाओं को गांव वालों की सहायता की जरूरत है। दोनों में संबंध जितने बेहतर होंगे, सफलता उतनी अधिक होगी। वाटरशेड का पानी खेतों में ही रहे, वो सिंचित तो रहेगा, पानी का जल स्तर भी ऊंचा रहेगा, इसीलिए अपने गराड़ में भी वाटरशेड आना बहुत जरूरी है। हमने जैसे इस तरीके से काम किया तो आप लोग भी करो ताकि आगे बढ़ सके।